सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो आज हम PT 4 का सिलेबस जो है शुरू कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आपका पहला पाठ है वसंती हवा, पाठ 15 वसंती हवा। वसंती हवा वसंत के मौसम में चलने वाली हवाएं। आप सभी जानते हैं कि वसंत का महीना जो है वो बहुत खूबसूरत होता है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, सुंदर हवाएं चलती हैं और सब जगह हरियाली छाई होती है। तो ऐसे में जब हवा चलती है तो मन कितना प्रसन्न और खुश हो जाता है, ये बताया है इसमें। हवा जो है उसके बारे में बताया है कि मैं हवा हूँ। जो कविता है वो कवि ने हवा के रूप में अपने आप को पेश किया है। हवा हूँ, हवा मैं, वसंती हवा हूँ। कवि क्या कहता है कि मैं क्या हूँ? हवा हूँ, पवन हूँ। कौन सी पवन हूँ? वसंत के महीने में चलने वाली वसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा, अनोखी निराली, अनोखी निराली। बावला हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं तो बावला हो गया है, तो पागल हो गए। ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक, कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे वो बताता है कि मैं हवा हूँ। कैसी हवा हूँ? मैं बावली हूँ, मैं मनमाजी हूँ, मैं अपनी मर्जी से ही इधर उधर घूमती रहती हूँ। बड़ी मस्त मौला, मस्त मौला, अब बावली और मस्त मौला से बात, मस्त मौला अपनी मर्जी, अपनी मस्ती में रहने वाले को हम क्या कहते हैं? मस्त मौला। मस्त मौला जो अपनी मस्ती में रहता है, जो दिल में आता है वो करता है, उस इंसान को हम क्या कहते हैं? मस्त मौला। जिसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, सुख दुख से जो परे है, उस इंसान को हम क्या कह देते हैं? मस्त मौला। तो यहाँ पे कवि किसकी बात कर रहा है? कवि अपने आप को हवा के रूप में बता रहा है कि मैं कैसी हवा हूँ। मैं बहुत निराली अनोखी हवा हूँ, मैं वसंत की हवा हूँ जो बहुत ही अच्छे सुख देने वाली हवा है। मैं थोड़ी पागलपन लिए हूँ, इधर जाती हूँ कभी उधर जाती हूँ। मैं मस्त मौला हूँ, अपनी मर्जी से ही सारे काम करती हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर, निडर जिसको कोई डर ना हो, निडर बिना डर। तो यहां पे हवा कहती है कि मैं, मुझे कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं। मैं जहां जाना चाहती हूं मैं वहां जाती हूं, मैं इधर घूमती हूं या उधर घूमती हूं। मुसाफिर अजब हूँ, वसंती हवा हूँ। तो वो कहते हैं कि मुसाफिर क्या होता है? सफर करने वाला, सफर करने वाला। तो यहां पे हवा क्या कहती है कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं अजब सी मुसाफिर हूँ, बहुत अनोखी हूँ, मैं वसंती हवा हूँ, मैं वसंत के महीने की हवा हूँ। कभी इधर घूमती हूँ कभी उधर घूमती हूँ। हवा अपने आप को बताती है किस प्रकार वो मस्त मौला है, कितनी अनोखी है और इधर उधर घूमती रहती है। एक बार फिर से दोहराती हूँ, मुश्किल शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हवा हूँ, हवा मैं, वसंती हवा हूँ। कभी अपने आप को हवा के रूप में बताते हुए कहता है कि वो हवा है। कैसी हवा है? जो वसंत के मौसम में चलती है वैसी हवा है। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा। वो कहती है कि मेरी बात सुनो, मैं हवा कैसी हूँ? बहुत अनोखी निराली हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला हूँ। मैं थोड़ी पागल हूँ और अपनी मर्जी
बातों में से हूँ, अपनी मर्जी से इधर उधर घूमती हूँ। नहीं कुछ फिक्र, बड़ी ही निडर हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है और मैं मुझे कोई डर भी नहीं है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ बसंती हवा। मेरा जहाँ दिल करता है मैं वहाँ घूमती हूँ, मुझ पर कोई बंधन नहीं है। मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ जाती हूँ, मैं अजीब तरीके की मुसाफिर हूँ जो कहीं भी घूमती रहती है। हाँ मैं बसंती हवा, मैं बसंती हवा। तो इसमें बेटा जो मुश्किल शब्द है ये है अनोखी, उसका मतलब होता है निराली, मुसाफिर, सफर करने वाला, पागली, थोड़ा पागल बन गए, मस्त मौला, अपनी मस्ती में रहने वाला, निडर, बिना डर के। तो अपना जरा प्रश्न उत्तर देखिए, एक बार मैं दोहरा दूं, हवा कैसी है? हवा अनोखी है, बसंती है। हवा कैसी मुसाफिर है? हवा अजीब मुसाफिर है जो जहां अजब मुसाफिर है जो इधर उधर घूमती है। बसंती हवा कैसी होती है? आप इसमें सब कुछ लिख सकते हैं, बसंती हवा अनोखी होती है, थोड़ी बावली और मस्त मौला होती है। इस हवा की क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताओं में भी आप यही लिखेंगे कि वो निडर है, बिना फिक्र के इधर उधर घूमती है, अजब है, बावली है, मस्त मौला है, मतलब उसकी सारी विशेषताएं, फीचर्स आप लिखेंगे। बसंत ऋतु कब आती है? बसंत ऋतु मार्च महीने के आसपास होती है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है और कविता भी बहुत आसान और प्यारी है। दो बार पढ़े आपको अच्छा लगेगा और जहाँ कुछ समझ में ना आए इसे देख बार बार देखें और